नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम 10वें मॉड्यूल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के मूल्यांकन में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्योंकि आपसे मूल्यांकन में कोई भी 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। इससे पहले कि मॉड्यूल 9 के गतिविधि और आखिर प्रश्नोत्तरी की वीडियो भी आपको चैनल पर निष्ठा 3 प्लेलिस्ट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही सभी कोर्सेज के बिल्कुल सही उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? इसका सही जवाब है सुकरात संवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? इसका सही जवाब है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे डैश चाहिए। इसका सही जवाब है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल यानी कि लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सही जवाब है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव का प्रतीक है। इसका सही जवाब है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब है अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है? इसका सही जवाब है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है? इसका सही जवाब है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही जवाब है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश होने की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका सही जवाब है सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं का प्रयोग करने की क्षमता को डैश के भाग के रूप में माना जा सकता है? इसका सही जवाब है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा डैश कार्यान्वित किया जाता है? इसका सही जवाब है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति यानी SMC सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न देखते हैं, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही जवाब है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? इसका सही जवाब है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब है सत्तावादी होना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में डैश, इसका सही जवाब है बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं की यह कहने की अधिक संभावना है कि, इसका सही जवाब है
सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका सही जवाब है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है? इसका सही जवाब है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश होने की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसका सही जवाब है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए? इसका सही जवाब है उनकी क्षमता आवश्यकता और रुचियों को आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? इसका सही जवाब है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को डैश के माध्यम से संलग्न कर सकता है? इसका सही जवाब है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है? इसका सही जवाब है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? इसका सही जवाब है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी? इसका सही जवाब है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, इसका सही जवाब है पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही जवाब है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा डैश बच्चों पर लागू होती है? इसका सही जवाब है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता गति अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना डैश कहलाता है? इसका सही जवाब है धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? इसका सही जवाब है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? इसका सही जवाब है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अब इनमें से जो भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएं, उनका सही जवाब देते हुए आप 20 में से 20 अंक हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।